हेलो दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं सुबह सुबह घूम रही हूँ और अभी इतना ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे कि क्या बताएं, पूरा रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरा थोबड़ा ही नहीं दिख रहा है, तो रास्ता तो दूर की बात है दोस्तों। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा अंधेरा अंधेरा, पूरा कोहरा छाया। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और देखो मौसम कैसे है। भाई मनाली जाने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मनाली कौन कौन जाएगा, मैं तो यहीं पे मनाली का मज़ा ले रही हूँ। गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मतलब टाइम ज़्यादा हो रहा है, वैसे वैसे और ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और मैं अभी दूसरे साइड पहुंच गई हूँ, गाड़ी आ रहा है, पीछे से गाड़ी आ रहा है, वो भी पता नहीं चल रहा है, गाड़ी दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस, ऐसे ही में एक्सीडेंट होता है, क्योंकि गाड़ी यदि दिख रहा है, सामने से गाड़ी आ रहा है कि पीछे से गाड़ी आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा जब तक कि फ्रंट में ना आ जाए। तो अभी मैं जाती हूँ आगे, पैदल पैदल घूम रही हूँ, गाड़ी ले जा रही हूँ, मेरा गाड़ी मेरे फ्रेंड के पास है, तो गाड़ी लेकर के थोड़ा सा राउंड अप पे जाऊंगी घूमने। ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है, पूरा अंधेरा छाया है, पता नहीं आज तो पूरा दिन भर ऐसा ही रहेगा लग रहा है। तो गाइस ये देख सकते हैं, जैसे जैसे सुबह हो रहा है, सुबह तो हो ही गया है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है, वैसे वैसे और ही ज़्यादा कोहरा हो रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है गाइस। पास में गाड़ी है तभी बस दिख रहा है, और दूर का तो दिख ही नहीं रहा है। और ठंड तो इतना लग रहा है कि क्या ही बताएं। तो आप लोग देख सकते हैं, मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है, अंबिकापुर ही मनाली बन गया है। मैं रेलवे स्टेशन वाले रास्ते के पास पहुंच गई हूं, और थोड़ा सा अभी रेलवे स्टेशन साइड का दर्शन कर लिया जाए। तो ये है रेलवे स्टेशन वाला रास्ता, और इधर का धुंध देखो कितना ज़्यादा धुंध दिख रहा है, वो भाई साहब रेलवे स्टेशन अंबिकापुर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। पता नहीं आज रायपुर वाली ट्रेन आई भी है कि नहीं, मतलब पहुंची भी है कि नहीं, इतना ज़्यादा धुंध की वजह से। देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा धुंध है। गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये है रेलवे स्टेशन, और यहाँ से लोग ही नहीं दिख रहे हैं, और ट्रेन अभी आ रही है।